हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन चिरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस। ठीक है, तो बच्चों आज हमारा जो सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री है, जो कि डिप्लोमा सेकेंड ईयर में आता है। ठीक है बच्चों, जो किसके अंदर आता है, आपका डिप्लोमा सेकेंड ईयर के अंदर आता है। ये हमारा डिप्लोमा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, इसमें हमने दो चैप्टर कवर किया है इस वीडियो में। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि आपकी बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। चलो, बायोकेमिस्ट्री क्या होती है बच्चों, हमारा एक ऐसा बेसिक साइंस होता है। ठीक है, एक क्या होता है, एक ऐसा बेसिक साइंस होता है जो किसके साथ हमारा जो केमिकल नेचर्स होता है, ठीक है, और जो हमारे केमिकल बिहेवियर होता है, किसका आपका जो लिविंग मैटर्स होते हैं। लिविंग मैटर्स मतलब आपके जैसे प्लांट हो गया, आपका एनिमल्स हो गया और आपका ह्यूमन बींग्स हो गया। ठीक है, उनके अंदर जो हमारा क्या हो रहा है, केमिकल नेचर से देख रहे हैं हम उसका, और केमिकल बिहेवियर चेक कर रहे हैं, वो क्या कहलाती है, हमारी बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। तो बायोकेमिस्ट्री क्या हुई बच्चों, हमारी एक ऐसा बेसिक साइंस होता है जिसमें हम लिविंग मैटर का या लिविंग मैटर के अंदर केमिकल नेचर या उसका केमिकल बिहेवियर देखते हैं। ठीक, अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग मैटर। ठीक है, अब जो लिविंग मैटर्स है हमारे, उसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं हम, जैसे प्लांट्स के अंदर देखते हैं, एनिमल्स के अंदर देखते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा केमिकल चेंजेस विच अकर इन द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, अब जो केमिकल चेंजेस हो रहा है, या मतलब केमिकल चेंजेस जो होता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के दौरान, उसके दौरान ठीक है, कैसे कैसे, जैसे आपका डाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, उसके दौरान केमिकल चेंजेस आ रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया जब चल रही है उसके दौरान केमिकल चेंजेस हो रहा है, और नेक्स्ट है आपका एक्सक्रीशन का मतलब बॉडी से बाहर निकल जाना। ठीक है, अब उसके दौरान भी केमिकल चेंजेस होता है हमारी ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब थर्ड पॉइंट है हमारा केमिकल चेंजेस विच अकर ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब जो ग्रोथ हो रहा है और जो मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, केमिकल चेंजेस होते हैं जब, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है, ग्रोथिंग होती है, मल्टीप्लीकेशन होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स टू द अदर्स। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, ठीक है, मतलब एक जगह का दूसरी जगह जाना, मतलब जो कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, उनके जो केमिकल्स होते हैं या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन सच ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब एनर्जी का भी चेंजेस होता है हमारा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किसी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ऐसे ही हमारी एनर्जी भी चेंजेस होती है बॉडी के अंदर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसके स्कोप के बारे में कि आपका जो बायोकेमिस्ट्री होती है उसका स्कोप कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें है हमारा इट डील्स विद द केमिकल नेचर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ये क्या देती है हमारा केमिकल नेचर के साथ, उसका स्ट्रक्चर और जो उसके बायोमोलिक्यूल्स के जो फंक्शंस है उसके बारे में बताती है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा द वेरियस बायोमोलिक्यूल्स आर। ठीक है, अब कुछ बायोमोलिक्यूल्स नीचे दिए हुए हैं, कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स होते हैं हमारे, तो फर्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट है आपका प्रोटीन्स, आपका नेक्स्ट है लिपिड्स, और आपका नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड एसेट्रा, और भी बहुत सारे हैं जो बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। तो हमारे बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हुए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स होगी, न्यूक्लिक एसिड हो गया, अमाइनो एसिड्स वगैरह हो गए, ठीक है, और भी होते हैं, इतना समझ में आया। चलो, अब बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, देखो बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों, आपके ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स होते हैं, मतलब कार्बनिक मोलिक्यूल होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है हमारा कार्बन के एटम पाए जाते हैं। ठीक, प्रजेंट इन लिविंग सिस्टम। ठीक है, जो कि प्रजेंट होते हैं आपके लिविंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स होते हैं और लिविंग सिस्टम में प्रजेंट होते हैं। अब कुछ हमारे मेजर एलिमेंट्स हैं जो कि बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं, जैसे आपका कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, अब और आपका ऑक्सीजन होगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं ये क्या होती है हमारी, दो प्रकार के मोलिक्यूल्स होते हैं ये, मतलब ठीक,
कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका मैक्रो मोलिक्यूल्स, एक हो गया आपका माइक्रो। मैक्रो का मतलब क्या होता है बच्चों, बड़ा, और माइक्रो का मतलब छोटा, ठीक है, इतना आपको याद रख लेना है। अब मैक्रो मोलिक्यूल्स की बात करते हैं कि मैक्रो मोलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं बच्चों, दे आर वेरी लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स। तो ये क्या होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में और कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स होते हैं, एक प्रकार का मतलब इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं विद हाई मोलिक्यूल वेट के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा हाईली मोलिकुलर वेट के साथ, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं आपके, मैक्रो मोलिक्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है, मतलब ये क्या होते हैं, वेरी बड़े बड़ी मात्रा में एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ठीक, और इनका मोलिकुलर वेट भी हाई होता है। चलो अब नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंट मैक्रो मोलिक्यूल्स। अब जो इम्पोर्टेंट मैक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं बच्चों, फर्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट है आपका प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे इम्पोर्टेंट मैक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा ऑल दीज मैक्रो मोलिक्यूल्स आर मेड ऑफ मैनी सिंपल स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड मोनोमर्स, ठीक है। अब ये जितने भी मैक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, एक सिंपल तरीके से बने होते हैं, एक स्मॉलर बिल्डिंग होती है इनकी, ठीक है, और जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मोनोमर्स के नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमर्स के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। चलो ये तो हमारा मैक्रो मोलिक्यूल्स था, अब माइक्रो मोलिक्यूल्स की बात करते हैं। माइक्रो मतलब छोटा, तो माइक्रो मोलिक्यूल्स क्या होता है बच्चों, दे आर सिंपल स्मॉलर ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं, सिंपल होते हैं और स्मॉलर मतलब छोटे ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स होते हैं विद लो मोलिकुलर वेट, और इनका जो मोलिकुलर वेट होगा वो बहुत ही कम होगा। दे आर जनरली एक्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैक्रो मोलिक्यूल्स, ये भी सेम उसी तरह काम करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक की तरह जैसे आपका मैक्रो मोलिक्यूल्स कर रहा था, उसी तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड एज मोनोमर्स और सब यूनिट, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मोनोमर्स के नाम से जानते हैं या फिर इसको हम सब यूनिट के नाम से भी जानते हैं। ये आपका माइक्रो मोलिक्यूल्स हो गया। अब अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, ग्लूकोज एक्ट एज सब यूनिट ऑफ हायर कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो जो आपका ग्लूकोज है एक्ट कर रहा है एक ऐसी मतलब सब यूनिट की तरह, ठीक है, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब हायर कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट है आपका अमाइनो एसिड्स आर सब यूनिट ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, अमाइनो एसिड्स भी क्या होते हैं, प्रोटीन की ही सब यूनिट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फैटी एसिड्स आर सब यूनिट ऑफ हायर फैट्स, फैटी एसिड्स भी क्या होते हैं, आपकी हायर फैट की ही सब यूनिट होती है। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियोटाइड्स आर सब यूनिट ऑफ आरएनए एंड डीएनए, ठीक है, जो आपका न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आरएनए और डीएनए की सब यूनिट होती है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको एग्जांपल समझ में आया होगा कि जो आपका ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, हायर कार्बोहाइड्रेट की ही सब यूनिट होती है। सेकंड पॉइंट आपका अमाइनो एसिड्स भी किसकी सब यूनिट होती है, आपकी प्रोटीन की। नेक्स्ट आपका फैटी एसिड भी किसकी हायर फैट होता है, आपका हायर फैट की सब यूनिट होती है। नेक्स्ट आपका न्यूक्लियोटाइड किसकी होती है बच्चों, आरएनए और डीएनए की सब यूनिट होती है, ठीक है। अब इसमें सेल के बारे में बताया हुआ है, ठीक है, तो सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो सेल ये होती है हमारी इस प्रकार की, ठीक, सेल के अंदर सबसे पहले जो बीच में होता है बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये क्या होता है आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियोलियस होता है, इस यहाँ पर क्या होता है आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक। अब इसके अगर ऊपर हम बात करें तो ये आपको दिखाई दे रही होगी इस प्रकार, तो ये क्या होती है हमारी गोल्जी एपरेटस होती है बच्चों। यहाँ पे इस प्रकार क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियन होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, पावर हाउस होता है सेल का हमारा, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, ठीक। नेक्स्ट है आपको ये इस प्रकार के सेंट्रियोल्स दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे क्या होते हैं सेंट्रियोल्स होते हैं, ये इस प्रकार की माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है हमारी जो सेल के अंदर प्रजेंट होती है। यहाँ पर क्या होता है आपका बच्चों, साइटोप्लाज्म प्रजेंट होता है, यहाँ पर क्या होता है आपका राइबोसोम्स होता है, ठीक है। अब ये क्या होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है हमारी सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होती है हमारी, ये होती है बच्चों हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ठीक है, ये क्या होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ठीक है बच्चों। अब दूसरी चीज़ ये होगी हमारी रफ,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये, इस प्रकार की। ये क्या होते हैं, छोटे छोटे दाने टाइप के, क्या होते हैं हमारे गोल्जी वेसिकल्स होते हैं। ये क्या होता है हमारा लाइसोसोम होता है जो मरी हुई सेल को इनगलप कर लेता है, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या होता है बच्चों आपका फिनोसाइटोसिस वेसिकल्स होता है। ये क्या था हमारा सेल एज ए बेसिक यूनिट थी, ठीक है, मतलब हमारी बेसिक यूनिट थी सेल की, ठीक। चलो हल्का सा यहाँ पर पेन चेंज कर लेते हैं एक बार, ठीक। चलो देखो इसमें न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों, इट कंटेन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स कंटेन डीएनए विच इज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इसमें क्या कंटेन होता है आपका, क्रोमोसोम्स होता है और क्रोमोसोम्स के अंदर आपका डीएनए होता है, ठीक है, विच इज जेनेटिक मटेरियल, जो कि क्या होता है जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए इज द मार्कर फॉर न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि आपका डीएनए होता है न्यूक्लियस से बनता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रियन, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ द साइट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड मार्कर इज ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बच्चों, हमारा जो सिट्रिक एसिड साइकिल्स होती है उसकी साइट पे, और आपका जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, ठीक है, और ये किसके मार्कर होता है आपका, ग्लूटामिक डिहाइड्रोजिनेस का होता है। नेक्स्ट है आपका राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के बारे में देख लेते हैं। ये क्या करता है हमारा, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ठीक है, और ये क्या करता है बच्चों हमारा, दे हैव ए हाई कंटेंट ऑफ आरएनए विच इज मार्कर ऑफ फॉर राइबोसोम्स, ठीक है। ये क्या होता है आपका, हाई कंटेंट होता है आरएनए का, ठीक है, आरएनए के अंदर। दूसरी चीज़ ये क्या करता है, राइबोसोम्स से बनता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ईआर के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है बच्चों, द मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स ऑफ ईआर सिंथेसिस प्रोटीन, ठीक है। मेम्ब्रेन जो हमारा मेम्ब्रेन होती है उसके बाउंड होता है आपका राइबोसोम्स, और ये क्या करता है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिंथेसिस करता है एज ए प्रोटीन के दौरान, ठीक। नेक्स्ट है हमारा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट इज द मार्कर फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन रहा है किसके उसमें बन रहा है बच्चों, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दौरान, ठीक। नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स क्या है आपका, ये क्या करता है, डिग्रेडेटिव एंजाइम्स होता है। ये क्या होता है, डिग्रेड कर देता है, मतलब उसको तोड़ देता है, ठीक है, डिग्रेडेटिव एंजाइम्स के रूप में काम करता है। दूसरी चीज, दीज एंजाइम डिस्ट्रॉय द डेड एंड वॉरनट मटेरियल इनसाइड द सेल्स, ठीक है। लाइसोसोम क्या करता है बच्चों हमारा, ये क्या करता है, ये एंजाइम को डिस्ट्रॉय मतलब उसको ख़राब कर देता है, ठीक है, और जो डेड सेल्स होती है, मरी हुई सेल्स होती है, ठीक है, या जो खराब मटेरियल होता है सेल के साइड इनसाइड में, ठीक है, उसको क्या कर देता है, इनसाइड कर देता है या उसको इनगलप कर लेता है, उसको खा जाता है, ठीक है, उसको हम लाइसोसोम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, इट इज कंसर्न विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। इट मार्कर्स आर सोडियम पोटेशियम एटीपेज एंड न्यूक्लियोटाइडेज, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, ये कंसर्न होती है किसके साथ, आपका जो ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, किसके अंदर, आपका जो सेल्स के आउटर लेयर होती है, सेल्स के बाहर, ठीक है, और जो आपका न्यूक्लियोटाइड्स होता है ये उसको मार्कर करता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस के बारे में देख लेते हैं। गोल्जी एपरेटस क्या करता है, ये क्या करता है, इट फंक्शंस आर इंट्रासेलुलर सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड विच इज मार्कर इज गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। ये क्या करता है, ये फंक्शनिंग का काम करता है किसके अंदर, इंट्रासेलुलर एज ए प्रोटीन के अंदर, मतलब एक सॉर्टिंग रूप के टाइप दौरान, ठीक है, और आपका जो गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज होता है उसका ये मार्कर करता है, ठीक है, मतलब उसको बनाता है, कौन आपका, गोल्जी एपरेटस। नेक्स्ट है आपका साइटोसोल, साइटोसोल क्या होता है बच्चों, इट कंटेन एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड फैटी एसिड सिंथेसिस, ठीक है। इसमें क्या कंटेन होता है आपका, एंजाइम होता है और ग्लाइकोलाइसिस होता है और आपका फैटी एसिड की सिंथेसिस भी होती है। द एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस इज द मार्कर फॉर साइटोसोल्स, ठीक है, और जो आपका एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम होता है, ठीक है, ये उसको क्या करता है, साइटोसोल का मार्कर भी करता है, उसको बनाता है, कौन आपका, साइटोसोल्स। इतना समझ में आपको, ये सेल के बारे में फंक्शन थे कि जो सेल के अंदर जो फंक्शन होते हैं
वो ये सब काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। चलो ये फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन हमारी बायो मोलिक्यूल्स का या बायो केमिस्ट्री का। अब चैप्टर टू है बच्चों हमारा प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के बारे में देख लेते हैं, आपको पता होगा प्रोटीन्स क्या होती है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि प्रोटीन्स क्या होती है। ठीक है, तो प्रोटीन्स के बारे में देख लेते हैं बच्चों। प्रोटियोज, प्रोटियोज का मतलब क्या होता है? ठीक है, प्रोटियोज का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इम्पोर्टेंस, मतलब फर्स्ट प्राथमिकता होती है प्रोटीन्स की हमारी बॉडी की नीड के हिसाब से। ठीक है, तो प्रोटीन्स क्या होती है बच्चों? प्रोटीन्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग मैटर। ठीक है, प्रोटीन क्या होती है? जितने भी हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं लिविंग मैटर के अंदर, उनके अंदर क्या होती है? प्रोटीन की नीड होती है, प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जब तभी हम इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं, मतलब सभी लिविंग मैटर के अंदर। नेक्स्ट है हमारा, दे आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये क्या होता है हमारा? फंडामेंटल स्ट्रक्चरली कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है आपका, प्रोटीन्स आर हाई मोलिक्यूल्स वेट पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग अल्फा अमाइनो एसिड्स जॉइन टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज CONH। ठीक है बच्चों, अब जो आपकी प्रोटीन होती है वो क्या होती है? हाईली मोलिकुलर वेट होता है उनका, पेप्टाइड्स होती है। ठीक है, और उसके अंदर आपका अल्फा अमाइनो एसिड जॉइन होता है एक दूसरे के साथ, किसके साथ? आपका पॉलीपेप्टाइड जो लिंकेज होता है आपका CONH, उसको हम पॉलीपेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसकी कंपोजिशन के बारे में देख लेते हैं, किसकी जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है। तो फर्स्ट है आपका, प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स। ठीक है, तो प्रोटीन्स क्या होते हैं बच्चों? आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स होते हैं। दे मोलिकुलर वेट मे रेंज फ्रॉम 6000 टू मैनी मिलियंस। ठीक है, मतलब आपका ये जो इनके मोलिकुलर वेट होता है, उनकी जो रेंज होती है लगभग, वो कितनी होती है? 6000 या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकती है, मिलियंस में हो सकती है। ठीक है बच्चों, इसकी जो रेंज होती है मोलिकुलर की। ठीक, नेक्स्ट है आपका, दे कंटेन द एलिमेंट्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड सम टाइम्स फॉस्फोरस एंड सल्फर्स। ठीक है, अब इसमें क्या क्या एलिमेंट्स कंटेन होते हैं बच्चों? जैसे आपका कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और कुछ कभी कभी फॉस्फोरस और आपका सल्फर भी होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है आपका, रोल ऑफ प्रोटीन्स। अगर हम बात करें प्रोटीन्स के रोल के बारे में, तो देख लेते हैं कि प्रोटीन का रोल क्या होता है। तो क्या होता है बच्चों? दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर सेल्स एंड टिश्यूज। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये क्या होता है, हमारा जो सेल्स होती है या टिश्यूज होते हैं हमारे बच्चों, उसका जो फ्रेमवर्क होता है, उसकी जो स्ट्रक्चरल होता है, उसको प्रोवाइड करते हैं, फ्रेमवर्क को बनाने में उसकी मदद करते हैं आपकी जो प्रोटीन होती है। नेक्स्ट है आपका, दे एक्ट एज एंजाइम एंड हॉर्मोन्स। ठीक है, जैसे आपके एंजाइम एक्ट करते हैं और जो हॉर्मोन एक्ट करते हैं, सेम उसी प्रकार बॉडी के अंदर हमारी प्रोटीन भी एक्ट करती है। नेक्स्ट है आपका, स्टोरेज प्रोटीन बाइंड विद स्पेसिफिक सबस्टांस एंड स्टोर दैम। ठीक है, अब जो आपकी जो प्रोटीन होती है बच्चों, वो स्टोरेज प्रोटीन बाइंड होती है किसके साथ? एक स्पेसिफिक सबस्टांस के साथ बाइंड होती है एंड स्टोर दैम, तब जाके वो हम उसको क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं, जब वो उसके साथ बाइंड हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, आयरन इज स्टोर एज फेरिटिन। ठीक है, जैसे आयरन का जो स्टोरेज है वो फेरिटिन होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, रिसेप्टर प्रोटीन बाइंड विद स्पेसिफिक सबस्टांस लाइक विटामिन एंड मिनरल्स एंड मीडिएट देयर सेलुलर एक्शन। ठीक है, अब जो रिसेप्टर प्रोटीन बाइंड होती है वो क्या होती है, किसके साथ होती है? एक स्पेसिफिक सबस्टांस के साथ होती है, जैसे आपका विटामिन होते हैं, आपके मिनरल्स होते हैं, और कुछ मीडिएट होते हैं, मतलब कुछ बीच वाले होते हैं, और तब जाके वो अपना क्या करते हैं, सेल के अंदर सेलुलर एक्शन शो करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट है आपका, प्रोटीन्स कैन बी कैटाबोलाइज टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, प्रोटीन हो सकती है, प्रोटीन होती है आपकी कैटाबोलाइज, तब जाके वो क्या करती है, एनर्जी रिलीज करती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रोटीन एग्जर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रोटीन ऑस्मोटिक प्रेशर भी कोज करती है। ठीक है, प्रोटीन, ठीक, नेक्स्ट है, विच हेल्प इन मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर बैलेंस। ठीक है, और ये आपका जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, एनायन कैटायन
या फिर आपका जो वाटर बैलेंसिंग होती है ठीक है, उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करती है। कौन करती है बच्चों? हमारी प्रोटीन। ठीक है, चलो अब इसकी हम प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो सबसे पहली बात तो जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन क्या होती है बच्चों? वो सोलूबल होती है इन वाटर, वाटर में वो घुल जाती है। वीक साल्ट सोल्यूशन, ये क्या होता है? मतलब वीक साल्ट सोल्यूशन होता है एसिड एंड एल्कलाइज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दे फ्रॉम कोलोइडल सोल्यूशन, और ये क्या होता है? कोलोइडल सोल्यूशन होता है। तो समझ में आया बच्चों इसकी प्रॉपर्टी, की जो प्रोटीन होती है आपकी वो, ठीक है, वो क्या होती है? वाटर में सोलूबल होती है, वीक साल्ट सोल्यूशन होता है, एल्कलाइज होता है, और ये कोलोइडल सोल्यूशन भी होता है। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन आर प्रेसिपिटेटेड बाय साल्ट ऑफ हैवी मेटल्स लाइक सिल्वर एंड मरकरी। ठीक है, तो प्रोटीन क्या करते हैं? प्रेसिपिटेट बनाते हैं, ठीक है, साल्ट या फिर हैवी मेटल के साथ, जैसे आपका सिल्वर हो गया और आपका मरकरी हो गया। नेक्स्ट है आपका सम प्रोटीन लाइक, कुछ प्रोटीन जैसे आपका एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, कोगुलेट ऑन हीटिंग, जब हम उनको कोगुलेट करेंगे मतलब हीटिंग के दौरान वो कोगुलेट हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका ऑल प्रोटीन्स गिव कलर रिएक्शंस, जितने भी सारे प्रोटीन हो गए बच्चों वो क्या करेंगे? कलर रिएक्शन शो करेंगे व्हेन ट्रीट विद सर्टेन रिएजेंट, जब हम उसको एक प्रॉपर रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? कलर रिएक्शन शो करेंगे। अब इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों आपकी एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम आपके 12 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं जुलाई में। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख लेना एक बार, प्रोटीन वाला चैप्टर 100% आएगा ये। ठीक है, चलो क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या होती है? प्रोटीन आपकी 3 प्रकार की होती है बच्चों, कौन कौन सी? फर्स्ट है आपका सिंपल प्रोटीन, और सेकंड है आपका कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, थर्ड है आपका डेराइव प्रोटीन। ठीक है, तो सिंपल प्रोटीन में देख लेते हैं कि सिंपल प्रोटीन कौन कौन सी होती है हमारी बच्चों। तो फर्स्ट है आपका एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लुटिलिन, प्रोलाएमाइंस, हिस्टोन्स, और आपका प्रोटाएमाइंस, और आपका स्केलेरा प्रोटीन्स। तो ये सारी क्या होती है? हमारी सिंपल प्रोटीन होती है बच्चों, आपको इसको अच्छे से याद रख लेना है। अब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होती है बच्चों? हमारी न्यूक्लियो प्रोटीन्स होती है, फॉस्फो प्रोटीन होती है, ग्लाइको प्रोटीन्स होती है, लाइपो प्रोटीन्स होती है, नेक्स्ट है आपका मेटेलो प्रोटीन होती है, और लास्ट है आपका क्रोमो प्रोटीन। तो ये क्या होती है? आपकी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होती है। थर्ड है आपका डेराइव प्रोटीन्स। ठीक है, तो डेराइव प्रोटीन्स हमारी क्या होती है? 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट है आपकी प्राइमरी ड्राइव प्रोटीन्स, ठीक, सेकंड है आपकी सेकेंडरी ड्राइव प्रोटीन्स। तो प्राइमरी में कौन सा प्रोटीन आता है? आपका मेटा प्रोटीन्स आता है बच्चों, और सेकेंडरी के अंदर हमारा प्रोटीएज प्रोटीन आता है, पेप्टोन्स प्रोटीन आता है, और आपका पेप्टाइड प्रोटीन्स आता है। तो ये क्लासिफिकेशन था। तो प्रोटीन कितने प्रकार की होती है बच्चों? 3 प्रकार की होती है, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, और आपकी ड्राई प्रोटीन। अब हम सिंपल प्रोटीन के बारे में बात करने वाले हैं, एल्ब्यूमिन के। ठीक है, तो सिंपल प्रोटीन क्या होती है? ऑन हाइड्रोलाइसिस दे गिव्स ओनली अल्फा अमाइनो एसिड्स, जब हम इसको हाइड्रोलाइसिस के दौरान ये क्या करती है? ओनली अल्फा अमाइनो एसिड्स देती है। ठीक है बच्चों, तो एल्ब्यूमिन के बारे में देख लेते हैं, एल्ब्यूमिन क्या होती है, क्या करती है? ठीक है, दे आर सोलूबल इन वाटर, वाटर में घुल जाती है, एंड दे कोगुलेट ऑन हीटिंग, जब हम इसको हीट करते हैं तो कोगुलेट हो जाती है। दे आर प्रेसिपिटेट बाय फुल सेचुरेशन विद अमोनिया सल्फेट। ठीक है, और पीपीटी का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, प्रेसिपिटेटेड बाय फुल सेचुरेशन विद अमोनियम सल्फेट, और ये अमोनियम सल्फेट के साथ फुल्ली प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करें तो एग्जांपल आपका एल्ब्यूमिन हो गया और आपका सीरम एल्ब्यूमिन हो गया। ठीक, नेक्स्ट है आपका ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या होता है? दे आर इनसोलूबल इन वाटर, ये वाटर में नहीं घुलते, इनसोलूबल होते हैं, एंड पीपीटी बाय फुल्ली सेचुरेशन विद अमोनियम सल्फेट, और अमोनियम सल्फेट के साथ फुल्ली सेचुरेशन ये पीपीटी बना लेते हैं। जैसे आपका एल्ब्यूमिन हो गया, दे कोगुलेट ऑन हीटिंग, जब हम इसको हीटिंग के दौरान ये कोगुलेट हो जाएगा। जैसे आपका सीरम हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, ओवो ग्लोबुलिन हो गया, किसका? अंडे का, अंडे का जो ओवो ग्लोबुलिन होता है
जैसे अंडे की अंडा उबालते हो ना आप, ठीक है, अंडे की जर्दी जो होती है उसको, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, ओ ग्लोबुलिन ऑफ ए कोगुलेट हो जाती है। नेक्स्ट है आपका ग्लूटीन। ग्लूटीन क्या होती है बच्चों, दे आर प्लांट प्रोटीन्स, ये क्या होती है, प्लांट प्रोटीन्स होती है, इसको हम प्लांट से लेते हैं। एंड इनसोलुबल इन वाटर, वाटर में नहीं घुलती, दे कैन बी कोगुलेटेड बाय हीट, ठीक है, और ये हीट के दौरान कोगुलेट हो सकती है, ठीक है। दे आर रिच इन ग्लूटामिक एसिड, और बड़ी मात्रा में इसमें ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे आपका ओरिजिनिन ऑफ राइस, ठीक है, चावल, चावल में ओरिजिनिन होता है। नेक्स्ट आपका ग्लूटिनिन ऑफ वीट, वीट गेहूं के अंदर ग्लूटिनिन होता है, ठीक। नेक्स्ट आपका प्रोला एमाइंस, प्रोला एमाइंस क्या होता है बच्चों, दे आर प्लांट प्रोटीन्स, ये भी क्या होती है आपकी, प्लांट प्रोटीन्स होती है। एंड दे कंटेन ए हाई कंसेंट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रोलीन, एंड इट इज इनसोलुबल इन वाटर एंड एब्सोल्यूट एल्कोहल। तो ये क्या होती है, प्लांट प्रोटीन्स होती है और हाई कंसेंट्रेशन होती है इसकी, ठीक है, अमाइनो एसिड प्रोलीन के साथ, ठीक। ये क्या होती है, वाटर में इनसोल्युबल होती है, और आपका जो अल्कोहल होता है उसमें एब्सोल्यूट होती है, ठीक है बच्चों। जैसे एग्जांपल दिया है आपका ग्लाइडिन ऑफ वी, ठीक है। नेक्स्ट आपका होड्रीन ऑफ ब्रेली, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट हिस्टोन के बारे में, ठीक है। हिस्टोन क्या होता है, दे आर बेसिक प्रोटीन, ये क्या होती है, बेसिक प्रोटीन होती है। इट कंटेन ए हाई कंसेंट्रेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स हिस्टिडीन, ठीक है। इसकी जो कंसेंट्रेशन होती है वो हाई होती है बच्चों, अमाइनो एसिड्स या फिर आपकी हिस्टिडीन की तरह। दे आर सोलुबल इन वाटर, ये वाटर के साथ सोलुबल हो जाती है, घुल जाती है। दे आर नॉट कोगुलेट बाय हीट, जब आप इसको हीट करोगे तो ये कोगुलेट नहीं होगी, ठीक है। जैसे आमलेट बनाते हो ना, आमलेट के दौरान अंडा जो होता है वो कोगुलेट हो जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, न्यूक्लियो हिस्टोन्स होता है आपका, ग्लोबुलिन ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट है आपका प्रोटा एमाइंस, ठीक है। प्रोटा एमाइंस ये क्या होते हैं, दे आर सिंपलेस्ट ऑफ प्रोटीन, ये सिंपलेस्ट प्रोटीन होते हैं। दे कंटेन एट अमाइनो एसिड्स, इसके अंदर क्या होते हैं हमारे बच्चों, एट अमाइनो एसिड्स होते हैं प्रोटा एमाइंस के अंदर। दे आर सोलुबल इन वाटर, ये वाटर में घुल जाते हैं। दे आर नॉट कोगुलेटेड बाय हीट एंड बेसिक इन नेचर, और ये हीट के दौरान कोगुलेट नहीं होते, जबकि इनका नेचर क्या होता है बच्चों, बेसिक ही होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में क्या है आपका, सर्डिनिन एंड क्रिप्टिडिन इन द स्पर्म सेल्स ऑफ सर्टेन फिश, ठीक है। जो आपकी फिश होती है, फिश की जो स्पर्म सेल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्केलेरा प्रोटीन्स। स्केलेरा प्रोटीन क्या होती है बच्चों, दे आर फाइबरस प्रोटीन, ये क्या होती है, फाइबरस प्रोटीन होती है। एंड इनसोलुबल इन वाटर, वाटर में नहीं घुलती। एंड साल्ट सोल्यूशन, और साल्ट सोल्यूशन के साथ। दे हैव ग्रेट स्टेबिलिटी, इनकी जो मतलब स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये टिकाऊ होती है। एग्जाम्पल जैसे आपका कैरेटीन ऑफ हेयर्स एंड नेल्स, ठीक है। जैसे आपका बाल होते हैं, नेल्स होते हैं, उसके अंदर कौन सी प्रोटीन होती है बच्चों, कैरेटीन होती है, ठीक है। उसकी वजह से ही आपको ना तो पेन होता है ना आपको दुख दर्द होता है, ठीक है। तो कौन सी प्रोटीन होती है, कैरेटीन होती है हेयर और नेल्स के अंदर। नेक्स्ट आपका कोलेजन ऑफ बोन्स एंड स्किन, जैसे आपकी स्किन या बोन्स होती है उसके अंदर कोलेजन होता है, ठीक। चलो ये तो आपकी फर्स्ट थी, सिंपल प्रोटीन के बारे में हमने कवर कर लिया। अब सेकंड है हमारी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होती है बच्चों, इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक। चलो दीज आर सिंपल प्रोटीन कंबाइंड विद ए नॉन प्रोटीन ग्रुप कॉल्ड एज प्रोसिथेटिक ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या होती है बच्चों हमारी, ये सिंपल प्रोटीन होती है, किसके साथ कंबाइन होती है, एक नॉन प्रोटीन ग्रुप के साथ कंबाइन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप के नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोस्थेटिक ग्रुप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। तो न्यूक्लियो प्रोटीन क्या होता है बच्चों, बताओ चलो। तो न्यूक्लियो प्रोटीन क्या होता है हमारा, दे कंटेन न्यूक्लिक एसिड एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है हमारा, न्यूक्लिक एसिड कंटेन होता है, ठीक है, और प्रोस्थेटिक ग्रुप भी होता है। एग्जाम्पल जैसे आपका वायरस प्रोटीन होती है, तो वायरस प्रोटीन के अंदर न्यूक्लिक एसिड भी होता है। नेक्स्ट है आपका फॉस्फो प्रोटीन, ठीक है। तो फॉस्फो प्रोटीन क्या होती है बच्चों, दे कंटेन
फॉस्फोरिक एसिड एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, इसके अंदर क्या होता है हमारा, फॉस्फोरिक एसिड होता है और प्रोस्थेटिक ग्रुप भी होता है। जैसे एग्जांपल आपका केसिन ऑफ मिल्क, मिल्क के अंदर केसिन होता है, विटिलिन ऑफ एग, एग ठीक। थर्ड है आपका ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती है, दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है जैसे आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप भी होता है। एग्जाम्पल जैसे आपका म्यूसिन ऑफ सलाइवा, ठीक है, मतलब लार में म्यूसिन होता है। जैसे लाइपोप्रोटीन, नेक्स्ट है आपका लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन क्या होता है बच्चों, दे कंटेन लिपिड, इसके अंदर क्या होता है लिपिड होता है, जैसे आपका फैटी एसिड होता है, फॉस्फोलिपिड होता है एंड कोलेस्ट्रोल होता है एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप भी होता है। एग्जाम्पल जैसे आपका लाइपोप्रोटीन ऑफ ब्लड, ठीक। नेक्स्ट है आपका लाइपोप्रोटीन ऑफ एग योल्क, अंडे की जर्दी होती है जो, ठीक, अंडे की जर्दी, ठीक है, अंडे की जर्दी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका मेटालोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन क्या होती है, दे कंटेन मेटल आयन, इसमें मेटल आयन कंटेन होते हैं और प्रोस्थेटिक एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप। एग्जाम्पल है आपका फेरिटीन विच कंटेन आयरन, कैरुलोप्लाज्मिन विच कंटेन कॉपर्स, ठीक है, जैसे आपका फेरेटीन होता है उसके अंदर, ठीक है, आयरन होता है आपका, कैरुलोप्लाज्मिन होता है और उसमें आपका कॉपर भी कंटेन होता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्रोमोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन क्या होती है बच्चों, दे कंटेन कलर, कलर सबिस्टांस, ये क्या होता है आपका कलर सबिस्टांस होता है, ठीक है, जैसे आपका प्रोफायरीन होता है एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, एज एज द प्रोस्थेटिक ग्रुप भी होता है। एग्जाम्पल जैसे आपका हीमोग्लोबिन एंड आपका साइटोक्रोम्स होता है, ठीक। अब थर्ड है आपका डेराइव प्रोटीन, डेराइव प्रोटीन क्या होती है बच्चों, इसमें देख लेते हैं, ये दो प्रकार की होती है, मैंने बताया था प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी ये क्या है आपका, प्राइमरी और डीनेचुरेटेड ड्राइव प्रोटीन्स, ठीक है, ये क्या होती है बच्चों, प्राइमरी और डीनेचुरेटेड ड्राइव प्रोटीन होती है। ये क्या होती है देख लेते हैं एक बार, दे आर फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ हीट एसिड और एल्कलाइज ऑन प्रोटीन्स, ठीक है। तो क्या होती है आपकी, इसका जो एक्शन होता है हीटिंग के दौरान, एसिड्स के दौरान और आपका एल्कलाइज, ठीक है, ऑन प्रोटीन्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डीनेचुरेशन अकर्स विदाउट हाइड्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है, और इसका जो डीनेचुरेशन होता है बच्चों, बिना हाइड्रोलिटिक के आप उसको कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का क्लीवेज बनता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन्स, प्रोटीन क्या होती है देख लेते हैं, प्रोटीन्स क्या होता है बच्चों, दीज आर प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रोटीन का ही प्रोडक्ट होता है और इसका जो एक्शन होता है एज ए वाटर होता है, और जैसे आपका डाइल्यूट एसिड होता है और आपका एंजाइम होता है। एग्जाम्पल है इसमें फिब्रीन फ्रॉम फिब्रिनोजन, जैसे फिब्रीन से आपका फिब्रिनोजन, जैसे आपका मायोसिन से मायोसिन, ठीक। नेक्स्ट है आपका मेटाप्रोटीन, मेटाप्रोटीन क्या होता है बच्चों, दे आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ स्लाइटली स्ट्रोंगर एसिड, ठीक है, ये जो अपना एक्शन शो करता है कैसे करता है, मतलब जैसे स्लाइटली स्ट्रोंगर एसिड करता है एंड एल्कलाइज ऑन प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन के ऊपर। एग्जाम्पल देखें इसका हम, एसिड एंड एल्कलाइज एल्बिनोमिनेट, ठीक। नेक्स्ट है आपका कोगुलेटिंग प्रोटीन, कोगुलेटिंग प्रोटीन क्या होती है बच्चों, दे आर इंसोलुबल प्रोडक्ट, ये क्या होते हैं, इंसोलुबल प्रोडक्ट होते हैं, नहीं घुलते हैं, फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑन हीट और एल्कोहल ऑन प्रोटीन, ठीक है। जब आप इनका एक्शन देखोगे हीटिंग के दौरान, ठीक है, तो तब ये क्या होते हैं, इंसोलुबल प्रोडक्ट होते हैं और एल्कोहल और प्रोटीन, और एल्कोहल या प्रोटीन के साथ भी नहीं घुलते हैं। नेक्स्ट है आपका जैसे कुक एग एल्ब्यूमिन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एल्कोहल प्रेसिपिटेटेड प्रोटीन। अब सेकंड है आपका सेकेंडरी ड्राइव प्रोटीन, सेकेंडरी ड्राइव प्रोटीन क्या होती है बच्चों, दे आर फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ प्रोटीन्स एट देयर पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। तो ये क्या होती है, हाइड्रोलिटिक जब हम इसको करते हैं, मतलब प्रोटीन का क्लीवेज करते हैं, तो ये क्या होती है बच्चों, एक पेप्टाइड लिंकेज बना लेती है। एग्जाम्पल में जैसे आपका प्रोटीएज होता है, पेप्टोन्स होता है एंड आपका पेप्टाइड्स होता है,
ठीक है बच्चों, तो इतना समझ में आया है आपको आज हमने किसके बारे में डिस्कस किया है, आपकी जो बायोकेमिस्ट्री होती है, बायो मोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, और जो आपकी प्रोटीन्स होती है उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ऑलवेज हैप्पी, बाय।